बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ ट्रेडिशनल चिकन शामी कबाब की रेसिपी आपके साथ शेयर करूँगी, बहुत ही आसान तरीके से। आपने वीडियो को अच्छे से फॉलो करना है, रेसिपी को आपने एंड तक देखना है। चलिए आप बनाना शुरू करते हैं। मैं आपके साथ चिकन शामी कबाब की रेसिपी शेयर करूँगी। हमने यहाँ पर एक पैन ले लिया। अब इसमें हम 2 टेबल स्पून कुकिंग ऑयल ऐड करेंगे। अब इसमें हमने ये सब्ज़ इलायची, बड़ी इलायची दरदरा सा कूट लिया है, ये हमने इसमें ऐड कर दिया। अब साथ में हम इसके प्याज ऐड कर लेंगे। अब इसमें भी हम लहसुन अदरक कुटा हुआ डाल लेंगे और इन सबको हम फ्राई कर लेते हैं हल्का सा। इसको हमें फ्राई कर लिया। अब इसमें हम चिकन डाल लेते हैं। चिकन को भी हम अच्छे से फ्राई कर लेंगे। इसको भी हमने अच्छे से फ्राई कर लिया। अब इसमें हम कुछ मसाले ऐड कर लेते हैं। 1 टीस्पून इसमें हम लाल मिर्च डालेंगे, 1 टीस्पून इसे हम दाल में डालेंगे, 1 टीस्पून हम इसमें पीसा धनिया, 1 टीस्पून हल्दी, 1 टीस्पून इसमें हम पीसा हुआ गरम मसाला डालेंगे, 1 टीस्पून इसे हम नमक डालेंगे, 1/2 टीस्पून इसे हम पीसी हुई ब्लैक पेपर डालेंगे और इन सबको हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। इसको हमने अच्छे से फ्राई कर लिया। अब इसमें हम चने की दाल डालेंगे और इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसको हमने अच्छे से मिक्स कर लिया। अब इसमें हम ये 2 हरी मिर्च डालेंगे और साथ में हम इसके 2 ग्लास पानी डालेंगे और इसको कवर करके 10 मिनट अच्छे से दाल और चिकन को पकने देंगे। दाल और चिकन अच्छे से पक के रेडी हो गई है। अब इसको हम अच्छे से पीस लेंगे। इसको हमने अच्छे से पीस लिया था और इसको हमने अच्छे से मिक्स भी कर लिया। अब हम थोड़ा सा ले लेंगे और कबाब की शेप बना लेंगे। इस तरह से हमने इसकी शेप बना ली। एक और हम बना लेंगे इस तरह से। इस तरह से मैं सब शेप बना लूंगी, फिर मैं आपको दिखाऊंगी। जैसे हमने कबाब की शेप बना ली, यहाँ पर हमने एक अंडा ले लिया और इसको हमने बीट कर लिया। अब इसमें अंडे में डाल लेंगे। यहाँ पर हमने एक पैन ले लिया, इसमें हमने कुकिंग ऑयल डाल दिया। अब इसमें हमने कबाब डाल दिए और इसको हम हल्की आंच पर फ्राई कर लेंगे अच्छे से। अब इनको हम फ्राई कर लेंगे। एक साइड से हमने इसको फ्राई कर लिया। अब हम इसको साइड चेंज कर दिया, अब दूसरी साइड से फ्राई कर रहे हैं। ये सब रेडी हो जाएंगे, फिर मैं आपको इसकी फाइनल दिखाऊंगी। देखिए, मज़ेदार से शामी कबाब बनकर रेडी हो गए। देखिए कितने मज़े के बने। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी आसान सी शॉर्ट सी रेसिपी अच्छी लगी। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर कर दिया करें फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ। चैनल में नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब भी कर दिया करें। जज़ाकअल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।